हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पटेटो क्रेप्स। ये एक इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं 4 बॉयल्ड पटेटोज, 1.5 कप ऑफ मिल्क, 2 अंडे, 5 टेबलस्पून मैदे का आटा, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स एंड कोरिएंडर। सो लेट्स बिगिन। तो ये हमारा फूड प्रोसेसर है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने बॉयल आलू और अंडे मिक्स कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। अगर आपको ये वेजिटेरियन बनाना है तो आप अंडे को रिप्लेस कर सकते हैं दही से। तो अभी मैं अपना फ्लावर डाल दूंगी। और अब मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क डालूंगी। तो देखते हैं कैसा लगता है ये। तो देखो हमारी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। हम इसमें और थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे, थोड़ा सा उसको पतला करने के लिए। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी चाहिए। अभी इसको मैं एक अपने बोल में निकाल देती हूँ, फिर हम बाकी की चीजें ऐड कर लेंगे। तो देखो हमारा बैटर कुछ इस तरीके का है। मैं इसमें अब सॉल्ट डाल दूंगी, साथ में ये रेड चिलीज एंड कोरिएंडर, और इसको डाल के मैं अच्छे से अपना बैटर मिक्स कर दूंगी। और अपने बैटर को साइड में रखूंगी 10 मिनट्स के लिए। मैंने एक तवा गरम करने रखा है, इस पर थोड़ा सा तेल रखी हूँ गरम होने के लिए। जैसे मेरा पैन गरम होता है, हमें बैटर उस पर डाल देंगे। तो इस मेजरमेंट से मैं ये बैटर लूंगी यहाँ से, और मैं इसको अपने पैन पे डाल दूंगी। क्योंकि ये क्रेप है तो इसे मैं बहुत पतला स्प्रेड करना होगा। हल्के हल्के हाथों से हमको इसे घुमाना होगा। तो अभी जब इसमें बबल्स आ जाएंगे वो टाइम हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो देखिए हमारा सरफेस ऐसा लग रहा है, ये नीचे से कुछ ऐसा कलर आ गया है। मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। देखो कितना अच्छा कलर आ गया है। एंड जब पक जाएगा दूसरी तरफ से तो मैं बताती हूँ कैसे लगता है। तो टाइम टू फ्लिप। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अब मैं यहाँ निकाल देती हूँ। अब मैं दूसरे बना के आपको बताती हूँ टोटल कितने बने इसमें।